पीपल आर फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, आप कभी सोचिए कि आपका पूरा दिन कहां पे जाता है, वेर यू स्पेंड योर डे। 50% टाइम हम लोग निकालते हैं टैक्स बचाने में, एक्साइज लाख से वेट लाख से उसके चक्के में लगे रहते हैं, इनकम टैक्स लाख से, और बाकी बचा बचा हुआ 50% जो टाइम है वो कलेक्शन के पीछे लगा देता है। क्या होता है, पार्टी का 10 लाख चेक कन्फर्म भी दो, 10 लाख चेक आवाज दो, उसके सामने हमने 8 लाख का पेमेंट भी इशू कर दिया सामने, और जब पेमेंट लेने गए पार्टी ने 5 लाख का चेक दिया, अरे दीपक भाई 8 लाख का लेन थे अब तो मर गए, 5 लाख आया 8 लाख का सामने चेक लगा हुआ है, सब छोड़ के वो चेक के पीछे घुमा रहे हो। इंटरेस्ट बिजनेस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दोनों टाइप की सिक्योरिटी, पहली बात तो टैक्स भरना ही नहीं है, पहली बार टैक्स भरना ही नहीं है तो एडवांटेज दर कि आपका पूरा टाइम टेंशन कम हो गया, और दूसरा बेनिफिट दे आर 110% सिक्योरिटीज आर देयर फ्रॉम द बैंक फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल, इंडिया के नहीं हर एक पार्टी गवर्नमेंट के साथ। अब उससे अच्छा बिजनेस क्या होगा, उससे अच्छा बिजनेस क्या होगा, अब कुछ सोचिए, जहां पर जब आपको मेजोरिटी आपका टैक्स बचाने में और बिजनेस का उसमें लग रहा है, उसके सामने पूरा का पूरा सिक्योर बिजनेस है वेर यू डोंट हैव टू पे द टैक्सेस, आपको गवर्नमेंट से पैसे वापस लेते हैं पहली बार, दूसरा तो आपका पूरा टाइम बच गया, दूसरा कलेक्शन जब तक पैसे देते मटेरियल नहीं देते हम लोग, पहले पैसे दे भाई मटेरियल बाद से मिलेगा, और अगर कुछ केस पर उधार भी दिया तो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी टू रिकवर दैट मनी। बिजनेस के लिए और क्या चाहिए, this is the opportunity, that is why I say the golden opportunity for us is subject to you understand this. हम लोग वही फोकस कर रहे हैं कि पूरा का पूरा 360 की प्रोग्राम बनाया हुआ है, राइट, कि हम लोग आपको हर चीज स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस देने से लेके यू नो टिल द टाइम गवर्नमेंट का लास्ट में लास्ट कैसे बेनिफिट क्लेम करना है, अलोंग विद दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद द 20 एवर्स हमारे ऑफिस में आके आप काम कर सकते हो, प्रोडक्ट देंगे, मार्केट नहीं है मार्केट देंगे, बाहर नहीं है बाहर देंगे, और पैसा नहीं है तो पैसा भी नहीं, व्हाट एल्स यू टू डू द बिजनेस, बट वो सोच डेवलप करने की जरूरत है। जब तक आप सिर्फ सोचते हो यार बाजू बाजू वाला वो पैसा कमाएगा जो एक्सपोर्ट करेंगे, वो और पैसा कमाता ही रहेगा, वो हमेशा और पैसा कमाता ही रहेगा, आप वही सोच रहे हो यार भाई साहब साइकिल नहीं है फट दो तो अरे मर्सिडीज फिर में आज मेरे सामने वो साइकिल घूम रहा था अब वो मर्सिडीज लेके घूम रहा है, वही एक्सपोर्ट है, बिकॉज यू ह्यूज मार्केट, क्योंकि आपका जितना बड़ा मार्केट उतना बड़ा बिजनेस, आपका जितना बड़ा मार्केट उतना बड़ा बिजनेस। आज पूरे गुजरात में आप बिजनेस कर रहे हो, आज पूरे गुजरात में आप बिजनेस कर रहे हो, एक दिन में जाता हूँ राजकोट जाता हूँ, एक दिन जाता हूँ सूरत जाता हूँ, एक दिन जाता हूँ महसाना जाता हूँ, पूरा मैं लगा रहता हूँ मार्केटिंग करने के लिए। और वही सोचो राजकोट की जगह आता है रशिया, सूरत की जगह आप जा रहे हो स्पेन, और महसाना की जगह जा रहे हो मेलबोर्न, पूरे गांव को बता के जाओगे बॉस मेलबोर्न भेजो कि काम मत किया। अब सोचो अगर ये फीलिंग, अगर ये फीलिंग इतनी अच्छी है, सो व्हेन यू आर रियली इनटू इट तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैं आज ही एक इसका शेयर कर रहा था, आज जनरल केस में यूजली वी आर डूइंग फॉर एमबीएस एंड ऑल दिस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, किसी जो भी स्टूडेंट्स आल्सो देयर, आज जनरल केस में आप कोई भी अच्छी बी स्कूल में आफ्टर ग्रेजुएशन यू गोइंग फॉर बी स्कूल टू डू द एमबीए, राइट, अच्छी बी स्कूल में जाना आपको यू नीड टू रफली पे अराउंड 10 to 12 lakh रुपीस टू स्टडी इन अ वेरी गुड बी स्कूल, 10 से 12 lakh आपको पे करने पड़ते हैं, उसके बाद भी 2 साल के आपके एक्स्ट्रा खर्चे वहां पर रहने के खाने पीने के, अपना रफली एमबीए बनता है 12-13 लाख रुपए में, उसके बाद जॉब कहां मिलती है, आपने एमबीए फिनांस भी किया हुआ है तो आपको जॉब जो मिलती है सिर्फ रिलेशनशिप मैनेजर टैग अच्छा होता है तो फिनांस इंस्टीट्यूट मिलता है, जब आपको एयरपोर्ट सेल्स ही करना है, जब रफली आपका पैकेज रहता है 2 से 3 लाख रुपए। आप अगर कॉस्टिंग की भाषा में अगर बात करो, हम लोग वर्ड सीखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, what I'm investing and what I'm getting return. 12-15 lakh रुपए डालने के बाद मैं 3 लाख की जॉब कर रहा हूं, यानी 5 लाख तक तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है, 5 साल तक तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है कि मैंने जो 2 साल डाले और 5 साल काम किया, उसके बाद जो मैंने 7 साल पहले पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे उसका मेरे पास रिटर्न आया,
अब आप वही सोचो, अगर यही 15 लाख अगर आप अपने खुद के बिजनेस डेवलपमेंट में डाल दें तो क्यों बिजनेस नहीं हो सकता? जितना टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, जितना टाइम आप फेसबुक के ऊपर डाल रहे हो या व्हाट्सएप के ऊपर, आपके रिव्यू यू जनरेशन व्हाट्सएप स्पेशली फोकस कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, पता है सबसे स्मार्ट टीम है इंडिया की, राइट? तो अगर उसके अगर उसको उसी टाइम का व्हाट्सएप कमा रहा है मार्क जुकरबर्ग बिकम मल्टी मिलियनेयर, जिसके अगर कोई यूटिलिटी नहीं है, जिससे कहता हूँ कि सर टाइम नहीं मिलते मिलता मुझे करने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए टाइम नहीं मिलता, कब से एक्सपोर्ट करूँ? एक्सपोर्ट और एक एडवांटेज है, यू कैन ऑलवेज वर्क 24/7 365 days. एक्सपोर्ट का और एक एडवांटेज है, यू कैन ऑलवेज वर्क 24/7 365 days. आप लोग सर कैसे समझो कि मैं कोई शेयर मार्केट का काम कर रहा है आपने से 10 से 4 तो सर टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन लगा रहता हूँ 10 से शेयर मार्केट, तो ये शेयर कम हुआ वो शेयर कम हुआ, सर कब एक्सपोर्ट करूँ? तो भाई 10 बजे से पहले खुलने वाले मार्केट में काम कर सकते हो, सर 4 बजे के बाद में खुलने वाले मार्केट में काम कर सकते हो, क्यों बोले सर मंडे टू फ्राइडे तो सर के पास हिलने का टाइम नहीं होता, छोड़ दो सर कंपनी इतना सारा काम देती है मुझे, मंडे टू फ्राइडे ऊपर नहीं देख सकता मैं, टाइम ही नहीं मिलता मुझे. तो सैटरडे संडे भी आप गल्फ कंट्रीज में काम कर सकते हो, जो सैटरडे संडे में काम करते हैं, दुबई हो गया, कतार हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, वर्किंग ऑन सैटरडे संडे एज वेल, व्हिच मींस यू कैन वर्क 24/7 365 days. पर कब? जब अगर उस सोच को डेवलप करोगे, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में कोई एक्सक्यूज ही नहीं जिसको आगे बढ़ना है, जिसको एक्सक्यूज देना है उसका 50 एक्सक्यूज ने मानना नहीं, करने के 100 एक्सक्यूज हो सकते हैं पर करने का कोई एक्सक्यूज नहीं, और वो करने वाला बंदा ही आगे पहुंचता है. सो अगर एक्सक्यूज देते रहोगे यू विल नेवर ग्रो, एंड दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. कम आउट ऑफ दिस, सोच बदलो, सोच बदलो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, थिंक फर्स्ट अबाउट द नेशन, हम लोग क्या कर सकते हैं. हर बंदा वही सोचता है कि मेरे को मेरे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, पर हम कितनी बार सोचते हैं कि गवर्नमेंट के लिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी गवर्नमेंट, राइट? अगर मैं हमेशा अपने बारे में सोचूं तो विल नेवर ग्रो, एंड दैट इज व्हाई मोदी जी का और एक अच्छा नारा है, सबका साथ सबका विकास, राइट? कलेक्टिव एफर्ट्स, इस सीधी भाषा में बोले इसको कलेक्टिव एफर्ट्स, राइट? अगर हर बंदा ये सोच डेवलप करे, अगर हर बंदा सोचे कि बॉस पूरे गांव का एक्सपोर्ट होता है मेरा क्यों नहीं हो, हर बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है मेरा एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो, चाइना हर कोने में जाके एक्सपोर्ट कर रहा है तो मेरा एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास स्किल है, 65% यंग पॉपुलेशन है, हर बंदा सोच रहा है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी है. वी हैव अ वेरी गुड पीएम हु इज प्योरली फोकसिंग ऑन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, कि आओ और बनाओ, राइट? एंड वी हैव अ टीम लाइक 360 प्रोग्राम्स वेयर यू योरसेल्फ कैन डू द रेट फॉर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल. उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अगर जब तक आप सोचते रहोगे कुछ नहीं हो पाएगा. You need to think beyond this as well. And that is what a program is all about. कि जहाँ पे हम लोग यार पूरा का पूरा एक सोच से काम करो, ये काम कभी basically पैसों से नहीं होता, काम हमेशा सोच से होता है. जो basically शायद बोलते हैं पैसा भी नहीं है, अगर सिर्फ कंसल्टेंसी भी करते हो, जैसे आपको शायद स्टार्टिंग में पूछा तब उन्होंने लिखा होगा कितने लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जब पूछा और हार्डली 4-5% रीजन है, बट जब मैंने पूछा कितने लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 100% रेगुलर बेस पे है, व्हिच मींस 10 में से 9 लोगों को एक्सपोर्ट करना है, पर पता नहीं कैसे करना है. अगर आप वो अगर पूरा समझ के किसी कंसल्टेंसी से भी करवाते हो, अगर पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं किया, आपको लग रहा है कि रिस्क नहीं ले सकता मैं, राइट? इफ यू जस्ट डू द कंसल्टेंसी एज वेल, स्टिल यू कैन अर्न अ ह्यूज अमाउंट. क्यों जनरल केस में एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी बात करते हैं, यूजली दे आर चार्जिंग अराउंड 3-5% ऑन दिस, राइट? आज 10 लाख का अगर ऑर्डर लेता हूं, अगर मैं 10 लाख का भी ऑर्डर लेता हूं तो मैं रफली बेसिकली 30,000 से 35,000 कमीशन मिलता है. अगर सिर्फ असेंबले 4 से 5 क्लाइंट हो, हमारा एक अच्छा बहुत अच्छा स्टूडेंट है यूके का, आज से 3 साल पहले ये स्टार्टेड प्रोग्राम विद अस, उनको फैमिली इश्यू एंड यूके से वापस आना पड़ा, उसको उसे प्रोग्राम किया, आई आस्क हिम व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली नाउ, लाइक सर मैं अपने आप को बेच रहा हूँ. मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन अपने आप को बेच रहा हूँ? मैं कहा सर देखो, सब मुझे एक्सपोर्ट करना आ गया, अपने इंग्लिश बोलना आ रहा है, राइट? अब पैसा मेरे पास लेके मैं लगाना नहीं चाहता हूँ, तो अपने को बेच रहा क्या? तो क्या कर रहा था, इंडिया में डलिया और इतने भी वहां पर जितने लोगों को रजिस्टर करवा के रखा हुआ था, सबको मेल डालता रहता पूरा दिन भर के 100 लोगों को, सर कंसल
कोई काम हो तो बता। आप नहीं मानोगे, 6 महीने के बाद उसने हमारे 3 लोगों को रिक्रूट किया। What he was doing, you know, 50,000 पे लेता था कंसल्टेंसी करने के, अगर आपने 1 साल में ऑर्डर दिया तो 25,000 वापस, 50,000 पे चार्ज करता था, राइट? और अगर मेरा आपका ऑर्डर नहीं आया तो 25,000 को वापस देना। एफर्ट लगा रहा हूं मैं, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं हमेशा मानता हूं फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। आप नहीं मानोगे, विद इन 6 to 8 months ऑफ टाइम ही हैज रिक्रूटेड 3 पीपल फ्रॉम अवर टीम, अवर स्टूडेंट्स, उसके यहां पे एम्प्लॉई है सर, कि वो अगर इतना सारा काम का 8-10 लोग उसको काम मिल गया। आज वो ऑलमोस्ट 8 से 10 लोगों को लेकर मेरे को काम कर रहा है, सिर्फ कंसल्टेंसी कर रहा है, कोई सर आपका पैसा अपनी पास अच्छे इनकम ही नहीं होता, और कोई कुछ नहीं होता, इनकम ही नहीं होता है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर ही पैसा ले लिया मैंने, राइट? ही वाज हैविंग ऑलमोस्ट 8 to 10 पीपल वर्किंग, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सपर्ट। और हर बंदे के पास ये पहुंच है, बट उनको सिस्टम पता नहीं। तो हम लोग यहाँ पे वही फोकस कर रहे हैं कि हर बंदा ये सिस्टम जाने और उसके साथ वो कर पाए। आप 15-17 लाख रुपए MBA बनने के बाद अगर आपको 7 साल लगता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में, मतलब वही 17 लाख मेरे खुद के पास पड़े हुए हो, सिर्फ बैंक में अपने क्यों तो भी 34 हो सकता है, 7 साल में पैसा डबल होता है, मैं कुछ भी नहीं करूँ तो भी 34 लाख कमा सकता हूँ। तो उस पर तो यार नॉर्मल इन्वेस्टमेंट यू कैन ऑलवेज डू द एक्सपोर्ट बिजनेस, राइट? बट दैट इज व्हाट आवर फोकस इज ऑल अबाउट, टू प्रमोट दिस। हम लोग इसको पैन इंडिया लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स फॉर कलेक्टिव ग्रोथ। आपको सादी सीधी भाषा में बोलूँ तो 0.67% इंडिया का शेयर था, उसमें बेसिकली 1.67 2013 तक पहुंचा, यानी सिर्फ 1% इंक्रीमेंट हुआ है, सिर्फ 1% इंडिया का इंक्रीमेंट हुआ है। आपको लग रहा है 10 साल में बहुत सारे चेंजेस आ गए हमारे बारे में, अभी बताया when I used to be in a college, used to ride a cycle at that time. आज के 10वीं 12वीं लड़के को बोलते बेटा साइकिल लेके स्कूल जाना है, पापा धक्को खड़े थे पर बस पर धक्को खड़े थे पर उसको साइकिल स्कूल में नहीं। You have seen so many changes around us in last 10 years. अब सोचो सिर्फ 0.67% का 1.60% 1% ग्रोथ हुआ है, अगर इतने सारे चेंजेस हैं तो गवर्नमेंट का विजन 2020 तक का 5% तक लेके जाना है, to take it to 5% in world trade. You can see the opportunity coming in. 5 to 3 गुना अगर बढ़ता है, और उसमें भी specific to Gujarat government particularly, where we are already having 24% share of the India share, to जैसे government का 5% लेके जाना है, Gujarat government का मैं last February Gujarat में ही सुन रहा था, they are having this planning to have a share of almost 35% in India share. इंडिया का जो ट्रेड है उसके अंदर 35% गुजरात से खेलने का प्लानिंग नहीं होगा, राइट? एंड दैट इज व्हाई दे आर गुजरात इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेट वो प्लानिंग कर रहा है अपनी खुद की एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाने का। अब तक जनरल केस में एक्सपोर्ट की पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, राइट? तो मोदी जी का पहले से आता था डिसेंट्रलाइज चीजों करने का। गुजरात इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस इट्स ओन एक्सपोर्ट पॉलिसी एक्सपोर्ट बनाने के लिए। अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम उसको मिस कर दें, फिर लाइफ में 10 साल के बाद रिग्रेट करें, बॉस ये वक्त में मैंने कितने तो सांभवा मिले थे, यू नो, पर मैं कसू करूँ नहीं, मैंने हमें अफसोस कर मारा बाजू बड़ा होता, मैं कैम क्या पहुंची गया। अगर वो सोच नहीं बदलोगे यू विल नेवर ग्रो। सो कम आउट ऑफ द एक्सक्यूजेस, कम आउट ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको यार सोच रहे हो नेगेटिव लगे यार गवर्नमेंट सब कुछ कर नहीं करी, हमारे लिए कुछ नहीं करी है, हर जगह पर गवर्नमेंट किसी का कुछ नहीं करती है। मैं चाइना इतना आगे है, मेरे बहुत सारे चाइना फ्रेंड्स हैं, वो भी हमेशा चाइना के गवर्नमेंट कंपनी नहीं करते रहते हैं, बट फिर भी वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं यार एवरीवेयर, जैसे एंड दैट्स द अपॉर्चुनिटी यू ब्रिंग टू अस, राइट? सो ओवर हियर आई हैव जस्ट टेकन केयर मोस्ट ऑफ द पार्ट की अपॉर्चुनिटी है, देयर मत देयर छोड़ के एक्सपोर्ट करो, एंड दैट इज व्हाट वी आर प्रॉब्ली फोकसिंग ऑन। इफ यू आई होप आई एम नॉट टेकन योर मच ऑफ द टाइम, राइट? थैंक्स अगेन फॉर द कमिंग डाउन, राइट? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज एडवाइस मी, एंड इट विल बी प्लेजर फॉर मी टू हेल्प यू ऑन दिस। Please, sir. Any question you would like to ask?